कुल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के प्रशासनिक लापरवाही ने एक बार फिर से अस्पताल के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया, जहां भालूबासा हरिजन बस्ती की एक गर्भवती महिला गुड्डी मुखी को रविवार को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कल उसे अत्यधिक रक्तस्राव अस्पताल में हुआ। मौजूद डॉक्टरों और वार्ड कर्मियों से महिला को तत्वरत उपचार किए जाने की मांग की, लेकिन ना तो डॉक्टर पहुंचे और ना ही वहां मौजूद अटेंडेंटों ने महिला का उपचार करना जरूरी समझा। अंततः सोमवार तड़के जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। परिजनों ने लापरवाह डॉक्टर और मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। लगभग 2 घंटे तक पूरा अस्पताल परिसर रणभूमि में तब्दील रहा। वहीं संबंध में अस्पताल प्रबंधन की ओर से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इसी शहर से आते हैं और यही स्थिति है कुल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल की। हर बार प्रशासनिक और राजनीतिक दलों द्वारा इस अस्पताल की दशा और दिशा सुधारने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन ना तो अस्पताल प्रशासन इस ओर गंभीरता से ध्यान देती है और ना ही शासन प्रशासन। नतीजा आए दिन इस अस्पताल के माथे पर लापरवाही का कलंक लगता रहा है। कहना मैं यही चाहूंगा, मैं एक ही बात जानता हूं कि ये एमजीएम हॉस्पिटल कुल्हान का एकमात्र हॉस्पिटल है, झारखंड सरकार का गर्भ हॉस्पिटल है ये। इस हॉस्पिटल का व्यवस्था सरकार बदलती है, मैनेजमेंट बदलता है, मंत्रियां बदलते हैं, विधायक बदलते हैं, मगर इस हॉस्पिटल का दुर्दशा आज भी वही है। क्यों है ऐसा? आखिर इसमें क्यों इस तरह ध्यान नहीं दिया जाता? आखिर यहाँ आपको मान के बहुत दुख होगा कि पैसे वाले लोग बाहर में कहाँ इलाज करा लेते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग आते हैं वो निम्न कैटेगरी के लोग आते हैं, गरीब कुलवा लोग आते हैं, आशा उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ जो है इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा, लेकिन कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, यहाँ प्रबंधक मिली भगत चल रहा, यहाँ सरकार की नाकामी दिखती है, यहाँ सरकार का व्यवस्था दिखता है। मैं कहना चाहूँगा कि आज जो इसका ये बच्चा ये लड़का का क्या, इनका वाइफ खोने का समय था, बच्चा खोने का समय था, लेकिन आज यहाँ डॉक्टर यहाँ के मैनेजमेंट के लापरवाही के चलते आज इसको अनाथ हो गया। कौन देगा इसको? ये उम्र है कि उसका वाइफ जाने का? ये उम्र है इसका बच्चा जाने का? आज मैं मैनेजमेंट से मांग करता हूँ कि जो विभाग है इस पर विभागीय कार्रवाई होना चाहिए, जो पशु पीड़ा किया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कैसा किया कि माँ भी चल गया, बच्चा भी चल गया? क्यों किया? क्या है आपके पास व्यवस्था नहीं है? आप दूसरी जगह भेज देते हैं, मगर यहाँ रख के मार दिए। डॉक्टर को बुलाने जाने से रूम में बंद है, सिस्टर को बुलाने जाने कान में हेडफोन लगा के सो रही है। ये क्या मैनेजमेंट है? यही है मैनेजमेंट, यही है सरकार। ये खेल हो रहा है, इस खेल को हम दिल्ली तक आवाज उठाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री का होश उड़ाएंगे, झारखंड सरकार का होश उड़ाएंगे। ये किससे बात कर रहा है? लोग समझ नहीं पाता है किसके बुझा रहा है। विमल मुखी पद्मी मुखी सर, हुआ ये था तो डिलीवरी था, हम लोग कल 3 बजे भोर को लाए हैं, सुबह दोपहर में 3 बजे लाए हैं। लाने के बाद मेरे को बोला गया कि ब्लड का कमी है, मैं अपना फिर ब्लड देने गया, ब्लड ला के दिया। ब्लड देने के बाद ब्लड को एक डब फ्रीज होता है उसमें जाके रख दिया। फिर मैं पूछा जाके उसको डॉक्टर साहब को कि इन्हें इस पर नर्स को पूछे मैं कि खून उनको क्यों नहीं चढ़ा रहे हो, बहुत तब ये कर रही है, पेट से ये हो जा रहा है, चेकअप करवाइए। होगा होगा तो टहलने दीजिए, टहलने दीजिए। तो उनका बात सुन के हम फिर टहलाएँ। टहलाने के बाद क्या हुआ, उल्टी करने लगी। जो ये आपका 7 बजे का बात है, शाम का 7 बजे उल्टी करने लगी। तो फिर हम डॉक्टर को जाके फिर बोले ये उल्टी कर रही है, इसका कुछ तो उपाय कीजिए। किसका लापरवाही मान रहे हैं? ये हम डॉक्टर का और यहाँ का मैनेजमेंट का लापरवाही मांग रहे हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ। पहला और बच्चा है? नहीं, ये हम लोग का अक्टूबर में शादी किए थे, पहला बच्चा है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था सर, लड़का दोनों गुजर गया। पहला बच्चा सुबह 5